छतरपुर में बड़ाम लहरा जनपद अध्यक्ष राघव राजा के भाई पर जनपद सीईओ सुरेश मिश्रा के सरकारी आवास में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। सीईओ की शिकायत पर बड़ाम लहरा थाना पुलिस ने जानेमन सिंह, अनमोल सिंह और अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट के आरोप में FIR दर्ज की है। उधर जनपद उपाध्यक्ष ने सीईओ पर भी मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। साहब लो एक आवेदन था तो सर क्या हुआ हुआ आवेदन का तो गलत शब्द बोलन लगे और जाति वो बोलन लगे जाति बोलन लगे बोले यहाँ से लिए कोई चैम्बर नहीं कोई जगह नहीं है तो यहाँ से भाग जा तो काला आला पकड़ ली धक्का मुक्की होने लगी तो चांटा भी मार दिया तो इतने में मुन्ना दाऊ आ रहे थे वहाँ से राजू पांडे हमने की बीच बिचाव करो दाऊ साहब जी तो हमें वो पकड़े हैं उनने बीच बिचाव करो इतने में फिर दाऊ साहब आ गए उनने बीच बिचाव करो तो फिर हम फिर साथ अपने जात भाई के लोग साथ में यहाँ तक ही बात भोपाल तक जाएगी। जनपद सीईओ कल अपने शासकीय मकान में शासकीय काम कर रहे थे जहाँ पर बड़ा मनारा के जानेमन उनका लड़का और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस करके उनके साथ मारपीट की गई है जिस पर से सीईओ द्वारा थाने में उपस्थित आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है जो विवेचना में है। जनपद उपाध्यक्ष छन्नूलाल अहिरवार द्वारा भी एक आवेदन प्रस्तुत किया है जाति सूचक शब्दों का को लेकर के एवं मारपीट करके जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जाकर के कब आगे कार्रवाई की जाएगी। 7:45 पर मैं यहीं उसी जगह बैठा था शासकीय काम कर रहा था उस समय जाने मन सिंह जो जनपद अध्यक्ष के भाई हैं राघव राजा थे उनका पुत्र अनमोल सिंह और एक तीसरा आदमी और कोई था बाहर से गाली गलौज करते हुए उसे किसी तरह की कोई बात नहीं थी गाली गलौज करते हुए मेरे कमरे में घुसे हैं और मेरे पकड़ करके जो है ना गाली गलौज किया धोमा झटकी किया और साथ में मारपीट किया। मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई है 2 का तो मैं नाम जानता था 3रे का नाम नहीं जानता था।